अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मेरे साथ ये दो खूबसूरत बच्चियां कौन है? ये है हमारा भविष्य, ये है विश्व का भविष्य, ये है आने वाला कल, ये है मुस्तकबिल की मुस्कुराहट, ये है भविष्य की हंसी, ये है जिनके कंधों पर आने वाली दुनिया टिकी है। आज हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारा नया साल हमारी इस पीढ़ी के साथ हम वाभई वाह के इस मेवाड़ स्पेशल, इस दिवाली स्पेशल, इस उदयपुर स्पेशल के इस खूबसूरत सिटी पैलेस के जनाना महल में इस पीढ़ी के साथ हमारे नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारी परंपराओं का नया वर्ष, ये आने वाली पीढ़ी की ये दो भविष्य की आशाएं, मेरे दाई और मोह लक्षिका कुमारी मेवाड़, मेरे बाई और रानेश्वरी कुमारी मेवाड़, टिका है कल का भविष्य हमारी इस पीढ़ी पे। आइए इनके साथ आज हम ये आशा का, विश्वास का एक दीप प्रज्वलित करें और इस दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस नववर्ष की शुरुआत इस ऐतिहासिक खूबसूरत सिटी पैलेस के इस जनाना महल में करें। मैं आप दोनों से, मोहलक्षिका और प्राणेश्वरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दीप को प्रज्वलित करें। आए नवलक्षिता, जोरदार तालियां। तालियां थमनी नहीं चाहिए। ये दीप जो प्रज्वलित हुआ है, ये दीप सिर्फ आशा और विश्वास का ही नहीं है, ये दीप संभावनाओं का है, ये दीप आने वाली उस पीढ़ी का है, ये दीप कल के हिंदुस्तान का है और सारी दुनिया को ये बताने वाला है। हमारी परंपराएं जो न जाने चिरकाल से चली आ रही है, जब से ये धरती बनी, और हम हमारी परंपराओं के पोषक हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिनके लिए कला और कविता की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना पूरा हृदय खोल के, पूरा दिल खोल के ये पूरा सिटी पैलेस हमें दे दिया कि हिंदी कविता के लिए अगर कोई कार्यक्रम हो तो हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे। और हिंदुस्तानी टेलीविजन में पहली बार ये लोकेशन, इस पर कुछ शूट किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके ट्रस्टी मेरे अनुज, मेरे सखा, मेरे अभिन्न मित्र श्री लक्षात सिंह मेवाड़, जो हिंदी कविताओं के न केवल समर्थक है बल्कि उनके संरक्षण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और ये पीढ़ी जो हमें विश्वास दिलाती है कि आने वाला कल उन कविताओं का है जो आपके चेहरों पर तबस्सुम बन के खेलेगी, आने वाला कल उन अल्फाज का है जो हमें जीवन में खुशी प्रदान करेंगे, आने वाला कल उन शब्दों का है जो हमें जीवन की दिशा देगी, आने वाला कल उन काफियों का है जो जीवन को जीवन बनाएंगे, और आने वाला कल हमारा है, हिंदुस्तान का है। वाह भाई वाह। स्वागत करता हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, और ये जो मेवाड़ विशेष, दिवाली विशेष, ये जो पूरा हफ्ता है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम यहां पे उदयपुर में शूट कर रहे हैं। हमारे साथ वो तीन लोग मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड की खास बात ये है कि तीनों ही वो हैं जो वाह भाई वाह के पहले 100 एपिसोड से निकल के आए और छा गए, और तीनों ही वो है जो अपनी अपनी प्रतिभा का बड़ा कमाल हमें दिखाते हैं, जिनके पास हुनर है। इनमें से एक तो बिल्कुल नई है लेकिन उसके पास शेर कहने की तमीज है, तहजीब है, और दो ऐसे हैं जो हासुक अपनी राह दिखाते हैं और अपनी अपनी राह खुद चुनना भी जानते हैं। गौरव चौहान मुलतवी रस के कवि हैं लेकिन हर विधा में वो लिखते हैं। दीपक पारेख हमारे हास्य का एक ऐसा सहज सा नाम है जो जब कविताएं पढ़ता है
तो लोगों के दिलों पे छा जाता है। और आज चूंकि मेवाड़ विशेष है तो हमारे साथ वो मेवाड़ से, भीलवाड़ से हमारे बीच में दीपक पारिक है, सतना से हमारे बीच अपूर्वा चतुर्वेदी है और इटावा के गौरव चौहान है। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। और आइए सबसे पहले आज की शाम की शुरुआत करने के लिए बुलाना चाहता हूँ भीलवाड़ा के दीपक पारिक, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं भीलवाड़ा से दीपक पारिक आप सबको नमस्कार करता हूं और सैले सर का और शेमारू चैनल का बहुत बहुत आभार मुझे यहां आने का पुनः मौका दिया। एक कविता है जो आपके बीच में रख रहा हूं कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। अच्छा। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। हाय हाय, सही बात है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाय हाय, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे, पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सधे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। वाह वाह, पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है, रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो। आए, 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 आए। वाह दीपक। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में अकले हो, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो, ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे, पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे, काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। आए, आए, वाह। लोग देवता कहेंगे जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइने, खूबसूरत हीरोइने नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं, खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं, लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। वाह वाह, पैसा खर्च करने वालों का। कोरोना में बिस्तर पर जब आदमी की जान लेने को अड़ा था, कोरोना बिस्तर में जब आपकी जान लेने को अड़ा था, तब आपके सिरहाने आपका भाई, आपका परिवार, आपका दोस्त खड़ा था, और पैसा पैसा बैंक में पड़ा था, पैसा बैंक में पड़ा था। बहुत बहुत आभार। क्या बात है दीपक, तुमने जीवन के यथार्थ को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से हम सबके समक्ष रख दिया। सही बात है, अगर पैसा होगा तो आपकी इज्जत पे पत्थर नहीं उछाले जाएंगे, अगर पैसा होगा तो आपकी इज्जत पे पत्थर नहीं उछाले जाएंगे, पैसा होगा तो आप हर व्यक्ति द्वारा संभाले जाएंगे, पैसा होगा तो आप हर व्यक्ति द्वारा संभाले जाएंगे। पैसा होना इसलिए जरूरी है मेरे भाई, अगर पैसा होगा तो बुढ़ापे में घर से नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि लोग अब रिश्तों का ख्याल नहीं रखते, पैसों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पैसा हर चीज नहीं कर सकता। वो क्या धनी होगा जिसके पास धन है,
हमारे पास तो शब्द हैं और एक एक शब्द मूल्यवान है, वो अनमोल है, तो उनसे ज्यादा धनी तो हम लोग हैं जिसके पास कलम की ताकत है। और एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहता हूँ जो हर विधा में सिद्ध हस्त है, आओ गौरव चौहान जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। वैसे मैं देश का बहुत बड़ा कवि गौरव चौहान हूँ, अच्छा, पर अपनी पत्नी के खर्चों से परेशान हूँ। हर किसी का मुकद्दर खाली नहीं होता, हर कोई किसी दर का सवाल ही नहीं होता। कुछ हम जैसे हैं जो दुख भोग रहे हैं, हर पति शैलेश जी जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता। तो सर, मैं अपनी पत्नी के खर्चों से परेशान हूँ, उससे एक अपील कर रहा हूँ। जितने पति मेरे सामने बैठे हैं वो ये गाना याद कर लें और घर पर जाकर पत्नी को सुनाएं। अच्छा। बड़ी है महंगाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। बड़ी महंगाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी है कमाइयां, ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइयां। राशन का टेंशन है, बिजली का बिल भरूं क्या करूं समझ ना आए। सैलरी का आधा खर्चा तुम्हारे पेडिक्योर मैनिक्योर में ही चला जाए। फेशियल कराइयां, फेशियल कराइयां, हेयर हाइलाइटेड कराइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइयां। पड़ोसन की देखा देखी साड़ी न लाओ, अपने पति पे थोड़ा तरस तो खाओ। हो सके तो साइड अपनी ख्वाहिश लगा लो, सस्ती नेल पॉलिश लगा लो। टेटू गुदवाइयां, टेटू गुदवाइयां, टेटू गुदवाइयां, थ्रेडिंग कराइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, बड़ी है महंगाइयां। से अपने रिश्तेदारों को बुलाए। आए, आए। और अगली पंक्ति, ये सर आपका भी दर्द होगा। अरे बिगड़े बजट में तू हर मंथ मायके से अपने रिश्तेदारों को बुलाए। तेरा भाई साइकिल के लायक नहीं है, मेरी बाइक पे छोरियां घुमाए। जब जब आइया, जब जब आइया कि बटुए से पैसे ही चुराइया। उसको समझा ले मेरी जान जा, बड़ी महंगाइयां। ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान, प्राइवेट नौकरी का मारा पति हूँ। ओहो, पत्नी की जिद के भली है। जब मुस्काइयां, जब मुस्काइयां, ओ दिल को चैन दिलाइयां। ऐसी हो जाए सब लुगाइयां, बड़ी महंगाइयां। ओ बाबू मेरी कम है कमाइयां। खर्चा घटा ले मेरी जान जा, खर्चा घटा ले मेरी जान जा, खर्चा घटा ले। क्या बात है, वाह गौरव वाह। जो महंगाई का वर्णन तुमने किया सही बात है, बीवियां सिर्फ खर्चे ही नहीं करती बहुत कुछ करती है। जैसे एक पति अपनी बीवी से कहता है जरा फोटो खींचो,
तो जब वो खींच रही थी, बोले क्या खींचा है तुमने, इसमें कुत्ता भी आ रहा है मेरे पीछे, ये तो नहीं आना चाहिए ना। बोले इसमें से क्या दिक्कत है, तुम फोटो डालो सोशल मीडिया पे तो लिख देना मैं आगे वाला हूं। अब बेचारे पति का तो हाल ही ऐसा है, और अब लड़की वो युवती जो इंतजार कर रही है कि कब उसका नंबर आएगा, ये उस उम्र की लड़की है जब सारे भाव जो हैं वो नगण्य हो जाते हैं और एक ही भाव बचता है, वो भाव होता है मोहब्बत का। वो लड़की जब दर्पण देखना शुरू कर देती है, वो लड़की जब दर्पण देख के इतराती है, वो लड़की जो किसी की मुस्कुराहट पे फिदा हो जाती है, वो लड़की जो याद करती है किसी को और याद करके बैठे बैठे मुस्कुराती है, वो लड़की जो खाली कागज पे बैठ के पेन से लकीरें खींचती है और उन लकीरों में उसका नाम पहुंचती है जिसका नाम मुंह से लेना नहीं चाहती, वो लड़की जिसके लबों पे हंसी होती है किसी के नाम की वजह से, यानी कि उस उम्र की मोहब्बत को लेके आ रही है अपूर्वा चतुर्वेदी, जोरदार तालियां स्वागत कर। नींद आती नहीं, आँख में ख्वाब है। अच्छा, नींद आती नहीं, आँख में ख्वाब है, एक लम्हा जो ठहरा वो नायाब है। आहा। शर्त है, राह है, चाह है पुरअसर, शर्त है, राह है, चाह है पुरअसर, शर्त है, राह है, चाह है पुरअसर, प्यास है और दरिया में सैलाब है। हाय हाय, क्या बात है। और ये भी सुनिएगा कि मुझे जब भी नकारा है किसी ने, मुझे जब भी नकारा है किसी ने, मुझे जब भी नकारा है किसी ने, दिया मुझको सहारा है किसी ने। और बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, बहुत दिन बाद आंसू झर रहे हैं, मेरे सर को दुलारा है किसी ने। हाय हाय, हाय हाय, वाह वाह पूर्वा वाह। ये आबे दरिया क्यों बदला हुआ है, नदी का पानी आबे दरिया, ये आबे दरिया क्यों बदला हुआ है, यहाँ दरिया निहारा है किसी ने। हाय हाय। और बहुत इतरा रही है एक लड़की, ये तो सबने नखरे उठाए होंगे कि बहुत इतरा रही है एक लड़की, क्या जुल्फों को सवारा है किसी ने। हाय हाय, वाह वाह। और ये भी सुनिएगा कि जहां मेहमा में थी गिनती हमारी, जहां मेहमा में थी गिनती हमारी, जहां मेहमा में थी गिनती हमारी, कहां हमको हमारा है किसी ने। वाह। और जन्मदिन अब मनाते ही नहीं है, जन्मदिन अब मनाते ही नहीं है, मेरा सदका उतारा है किसी ने। हाय हाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है, आहा, जब भी मुझे नकारा है किसी ने, दिया है मुझे सहारा किसी ने। वाह, नीली आंखें अंग्रेज होने की निशानी ही नहीं, आंख पे जोर से मुक्का मारा है किसी ने। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ये तीन वो कवि हैं जो वाह भाई वाह के जो प्रथम 100 एपिसोड से हमने चुने, क्योंकि इन तीनों ने अपना एक अलग स्थान बनाया। और अपूर्वा तो बहुत नई है, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पास कभी शो से फोन आएगा, लेकिन फोन पहुंचा, वाई, और तुमने बहुत अच्छा पढ़ा अपूर्वा, और दीपक और गौरव आप तीनों ने कमाल कर दिया, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ वाह भाई वाह। और पढ़ते हैं आगे हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे घोड़े पे दौड़ते हुए आए तायरा बानो जी हैं और संजय खान साहब हैं, क्या किसी के दिमाग में कुछ आता है भाई? डाकू देखा है तो, मैं तो चंबल का रहने वाला हूँ, तो मुझे चंबल नजर आ गया, याद आ गया सर जी। दृश्य ये हो सकता है कि ना प्यास की दम पे, ना भूख की दम पे, ना तिजोरी की दम पे, ना संदूक की दम पे, और डकैत की औलाद हूं ये तू जान ले, तुझे दुल्हन बनाऊंगा बंदूक की दम पर। ये दृश्य देख के मुझे एक दृश्य याद आ गया, मैंने वो एक दृश्य देखा था किसी फिल्म में, फिल्म का नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं बहुत हंसा।
वो देखने के बाद, वो हंसने वाला दृश्य था नहीं, हास्य का दृश्य नहीं था, लेकिन मुझे हंसी आई। और हंसी इसलिए आई कि मैंने इतना तहजीब वाला डाकू कभी नहीं देखा। इतना तहजीब वाला डाकू था, प्राण साहब थे। प्राण साहब दौड़ रहे थे घोड़े पे बैठ के, तकड़ तकड़ तकड़, और एक लड़की का पीछा कर रहे थे खेत में, वो बचाओ बचाओ करते हुए दौड़ रही थी। प्राण साहब तकड़ 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 पीछे, शायद वहीदा रहमान जी थी, मैं भूल गया, या शर्मिला टैगोर, मुझे याद नहीं बिल्कुल हीरोइन कौन थी, लेकिन प्राण साहब थे अच्छे से याद। इतनी तहजीब उस डाकू में कि लड़की का पीछा दौड़ते दौड़ते कर रहे हैं, और जब तकड़ 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 घोड़े से जब पास में आते हैं तो कहते हैं, दौड़ते दौड़ते थक गई होगी, घोड़े पे बैठ जाओ। जाते आते मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं। वो कहता है कि दुख में कहता है शेर सुनाने को, दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती जमाने को। दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती जमाने को, उसको फुर्सत नहीं कि शेर सुने तो हम भी खाली कहां सुनाने को। लेकिन हम लौटेंगे और कहेंगे वाह भाई वाह।